एकता कपूर ने अपनी हिट फिल्म एक विलेन के सीक्वल एक विलेन रिटर्न्स की रिलीज का ऐलान कर दिया है। फिल्म अगले साल 11 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। एकता ने सोशल मीडिया में एक पोस्टर के साथ फिल्म का अपडेट शेयर किया। एक विलेन रिटर्न्स का निर्देशन मोहित सूरी ही कर रहे हैं, जिन्होंने पहला भाग भी निर्देशित किया था। सीक्वल के अनाउंसमेंट पोस्टर पर किसी कलाकार का नाम या चेहरा ना दिखाते हुए सिर्फ एक स्माइली को कुटिल मुस्कान के साथ दिखाया गया है। इस पर लिखा है 365 दिनों में एक विलेन की वापसी होगी। एकता ने ट्वीट में लिखा है, विलेन कहानी फिर करें शुरू। 11 फरवरी 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक विलेन रिटर्न्स। एक विलेन रिटर्न्स का निर्माण भूषण कुमार और एकता कपूर कर रहे हैं। फिल्म में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। दिशा और तारा ने यह सूचना शेयर करके लिखा, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वहीं जॉन और अर्जुन ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टर शेयर करके लिखा, इस कहानी का हीरो विलेन है। जाहिर है कि फिल्म के दोनों मुख्य पुरुष किरदार नेगेटिव शेड्स लिए हुए होंगे। वहीं मोहित ने लिखा, हीरो की कहानी सब जानते हैं, पर विलेन की। 2014 में रिलीज हुई एक विलेन एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल निभाए थे, जबकि रितेश देशमुख नेगेटिव रोल में थे, जो एक साइको किलर का था। रितेश ने पहली बार अपने करियर में नेगेटिव किरदार निभाया था, जिसे काफी सराहा गया था। फिल्म हिट रही थी। जॉन अब्राहम की बात करें तो इस साल उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 ईद पर रिलीज हो रही है। वहीं अर्जुन कपूर की संदीप और पिंकी फरार आने वाली है। दिशा पाटनी सलमान खान के साथ राधे में दिखेंगी, जो ईद पर आ रही है।